हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। तो गाइस, मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर। यानी कि मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा डीआईवाई होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप इजिली घर बैठे वो भी परमानेंटली अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब हमें फेशियल हेयर रिमूव करवाने होते हैं तो हमें पार्लर जाना होता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस फील करवाते हैं ये फेशियल हेयर। तो इसके लिए हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे, तो चलिए फिर जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं यही बोलूंगी कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में और जान लेते हैं इस डीआईवाई होम रेमेडी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिल रहे हैं वो है मुलेठी। तो मुलेठी मेरा घर पे बनाया हुआ है ये, आप चाहे तो मार्केट से पैकेट पे आता है वो भी लेके यूज़ कर सकते हैं। तो मुलेठी जो होती है हमारे बालों को बहुत अच्छे से रिमूव कर देगी, और साथ ही साथ अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन की परेशानी तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड सेकेंड, यहाँ पर मैं हाफ लेमन ऐड कर रही हूँ जिसमें भरपूर मात्रा विटामिन सी होता है, एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं जो स्किन के फेशियल हेयर को रिमूव करके आपकी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे मैं अभी थर्ड जो इंग्रेडिएंट वो पिलो मास्क ले रही हूँ एवर यूथ का। तो आप कोई भी पिलो मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो हमारे स्किन से जो हेयर्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ अगेन जो पतले हेयर्स रह जाते हैं हमारे, उसको ये एवर यूथ खींच के ये पिलो मास्क है वो बाहर निकालेगा। एंड फोर्थ, यहाँ पर मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ जिसके ना ये हमारी रेमेडी वो बिल्कुल अधूरी है। हनी हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करेगा। तो अच्छे से इसका मिला के इसका एक पैक तैयार करना है और अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो अभी हमारा पैक है वो रेडी हो चुका है। तो पैक रेडी होने के तुरंत बाद ही आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फेशियल हेयर्स जो होते हैं वैक्सिंग से परमानेंटली रिमूव नहीं होते हैं, बल्कि वैक्सिंग से थोड़े टाइम के लिए रिमूव होते हैं, उसके बाद में फिर से आ जाते हैं और फिर से आपको पार्लर जाना होता है वैक्सिंग करवाने के लिए। बट ये जो हेयर पैक है वो आपकी हेयर ग्रोथ को कम कर देगा। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करूँगी कि इससे आपके फेस के जो मोटे मोटे बाल हैं वो निकल जाएंगे। फेशियल हेयर्स जो होते हैं बहुत ही पतले पतले बाल, वो ईजिली निकल जाएंगे। तो इस तरह से एक पैक तैयार करो घर पर, और एवर यूथ का या फिर कोई भी जो भी आप पिलो मास्क यूज़ करना चाहते हो आप वो उसमें थोड़ा सा ऐड करो, जिससे कि आप आपके हेयर्स को घर बैठे इजली हमेशा के लिए रिमूव कर सको। तो ये वाला जो रेमेडी आपको वीक में दो बार फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। तो अभी मैं इसे पूरी तरह से ड्राई होने दूँगी एंड उसके बाद में ही मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाऊँगी। तो गाइज़, अभी ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, अभी मैं इसे उतार के दिखाने वाली हूँ। तो जब आप इसे मसाज करते हुए अपने फेस से निकालोगे तो आप देखोगे आपके जो फेशियल हेयर्स हैं बहुत ही पतले पतले जो बाल हैं वो निकल रहे होते हैं। तो हेयर ग्रोथ के अपोजिट साइड में आपको इसे निकालना है। एंड उसके बाद में थोड़ा भी बचा हुआ रह जाता है आपके फेस पे, तो आपको ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की नेचुरल रेमेडी, ट्राई करके देखना, बहुत ही इजी है और बहुत ही बेनिफिशियल है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।